मेरे हिसाब से सबसे मेहनत का काम आजकल के टाइम पे जो है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 ढूंढना हो गया है, क्योंकि ये जो दो फोन है ना अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में कंपेयर अगर करते हैं तो कौन सा विनर है, इसका आंसर आपको आज की वीडियो मिल जाएगा। आज मैं रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G को सैमसंग गैलेक्सी M33 के साथ कंपेयर करूंगा, और अगर आपको ऐसे कंपैरिजन पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो। डिजाइन के बारे में बात करते हैं, अगर मैं रेडमी की बात करूं तो यहां पर जो है ग्लास बैक पैनल मिल जाता है जिसके अंदर इफेक्ट भी लाइक ओके सा आ रहा है, बिल्कुल कुछ लोगों को पसंद है कुछ लोगों को नहीं, बट बॉक्सी फ्रेम होने की वजह से ये इसको एक प्रीमियम फील देता है। लेकिन अब सैमसंग को देखो, इन्होंने जो है प्लास्टिक बॉडी यूज करी है, कैमरा मॉड्यूल जो है थोड़ा सा लाइक पुराने फोनों की याद दिलाता है, और फ्रेम में मुझे ऐसा कोई शिकायत नहीं है, बट पॉलीकार्बोनेट होने की वजह से अगर दोनों कंपेयर करते हैं तो लाइक थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी डाउनसाइड लगती है। बट हमेशा से ये भी आर्ग्यूमेंट रहा है कि भाई ग्लास टूट जाता है और पॉलीकार्बोनेट नहीं टूटता, जो भी आपकी चॉइस है, बट क्योंकि मेरे पास दोनों फोन हाथ में है तो मैं बता सकता हूं कि ज्यादा प्रीमियम रेडमी फील होता है। बट जैसे हम फीचर्स की बात करते हैं तो सैमसंग के फोन में 12 5G बैंड है, ट्रिपल स्लॉट है, तो आप दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हो, और NFC को एक प्रीमियम फील देता है फीचर वाइज। बट रेडमी कुछ अलग ही फीचर्स लेकर आता है, यहाँ पर IR ब्लास्टर है, डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, और 7 5G बैंड है। बट अगर मैं सैमसंग के 12 से कंपेयर करूँ ना तो देखो दोनों रिस्पेक्टेबल नंबर है, 20,000 के नीचे इतने 5G बैंड मिलते हैं। वैसे दोनों फोन जो है हेडफोन जैक के साथ आते हैं तो यहाँ पर कोई वरी की बात नहीं है, बट हाँ अगर मैं स्पीकर के आउटपुट की बात करूँ कि लाउड कौन सा है तो वो मुझे पर्सनली रेडमी का बेटर लगा। और मैंने एक और चीज नोटिस की थी कि अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की मैं बात करूं तो मुझे वो रेडमी का फास्ट फील होता है, क्योंकि बंद स्क्रीन में वो इंस्टेंटली खुल जाता है, सैमसंग में 2 बार टैप करना पड़ता है फिंगरप्रिंट स्कैनर पे तब वो खुलता है। चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप फ्रंट से देखते हो, क्योंकि डिस्प्ले जो है दोनों में 6.6 इंच की है, दोनों बहुत बड़े फोन है यार, लेकिन यहां पर सैमसंग में TFT डिस्प् ले मिलती है और रेडमी के अंदर सुपर AMOLED मिलती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं सैमसंग की TFT डिस्प्ले इस प्राइस सेगमेंट में जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि सैमसंग चाहता तो वो सुपर AMOLED डाल सकता था, क्योंकि सैमसंग डिस्प्ले के अंदर किंग माना जाता है, मेरे हिसाब से उनके लिए नो कॉस्ट वाली बात थी। वैसे दोनों फोन में जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि अच्छा काम करता है, मुझे ऐसा सच कोई शिकायत नहीं है। बस एक जगह पे मुझे कंफ्यूजन है कि सैमसंग के फोन में कितनी निट्स की ब्राइटनेस है, किसी वेबसाइट पे जो है 500 के करीब लिखा हुआ है, कहीं पे 800 लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर कंफ्यूज हूं। बट मैं रेडमी की क्लेम कर सकता हूं कि 1200 निट्स की है और वो अच्छा काम करती है धूप में। लेकिन रेडमी के फोन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है ब्राइटनेस से रिलेटेड, अगर आप लगा लो ब्राइटनेस अच्छी है फोन की तो ऑब्वियसली जब आप फोटोज खींच रहे होंगे धूप में सबसे ज्यादा वहीं पर काम आएगी। यहीं पे ट्विस्ट है कि यहां पर ओवरहीटिंग से बचाने के लिए इस फोन को रेडमी ने क्या किया, जैसे ही धूप में फोटोज आप खींच रहे हो 50% से ब्राइटनेस डाउन चली जाती है, तो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज बहुत अजीब है यार। और स्क्रीन क्वालिटी की बात करो तो दोनों में सेम वीडियो में चलाकर दिखाता हूं, वैसे दोनों फोन जो HDR सपोर्ट नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है 20,000 रुपए के हिसाब से। बट वैसे अगर मैं कलर्स की बात करूं तो देखो ऑब्वियसली AMOLED जो रेडमी के अंदर है वो बहुत बेटर ही है, बट यहां पर फॉर सम रीजन सैमसंग जो है ना बहुत पर्पल कर देता है डिस्प्ले को, तो ये बड़ा अजीब सा आउटपुट देता है। तो इन शॉर्ट अगर आप लुक्स भी देखते हो कि यहां पर बेजल्स जो है सैमसंग में ज्यादा है और Xiaomi में तो यहां पर पंच होल कैमरा मिलता है और वेयर है सैमसंग में ड्यू ड्रॉप नॉच है, तो कुछ ड्रॉबैक्स है। तो इन शॉर्ट अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो या फिर कॉन्टेंट ज्यादा देखते हो तो आप रेडमी की तरफ जरा ध्यान दे देना। अगर आपको वीडियो में मेरी मेहनत दिखे ना तो आप लाइक बटन पर क्लिक करके जरा जता सकते हो अपना, तो लाइक कर दिया करो भाई। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहां पर चीजें कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सैमसंग ने अपने फोन में जो चिप यूज करी है ये सेम चिप है जो कि 35,000 रुपए के सैमसंग गैलेक्सी A53 में देखने को मिलती है, Exynos 1280, और मेरे हिसाब से ये चिप इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेंस बनाती है। और रेडमी की बात करो तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 मिलता है, बट मेन क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों कंपेयर करो तो कौन सा अच्छा है। सबसे पहले एंटूटू स्कोर्स देखो, यहाँ पर सैमसंग ऊपर आता है, और जैसे ही आप Geekbench के स्कोर्स देखोगे तो यहाँ पर सिंगल कोर जो है सैमसंग का बेटर है बट मल्टी कोर रेडमी का बेटर है। बट एक चीज मैं यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि रेडमी में मेरे को हीटिंग महसूस हुई है जब मैंने बेंचमार्क रन करे ना इतने हैवी, तो ये पूरा वार्म हो गया था रेडमी, जबकि यहाँ पर सैमसंग ने इतना गर्म नहीं हुआ था। ऐसे स्टोरेज की बात करो तो सैमसंग में UFS 2.1 है और रेडमी में 2.2, और जो हीटिंग वाला पॉइंट था ना वो माइंड में रखना है क्योंकि वो गेमिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। बट अगर मैं BGMI की सेटिंग्स दिखाना चाहूं तो वो रेडमी की बेटर है, क्योंकि रेडमी में हमें बैलेंस अल्ट्रा सेटिंग्स भी मिल जाती है और HD हाई भी, और सैमसंग में सिर्फ HD हाई मिलती है, तो 30 FPS ही सैमसंग से एक्सपेक्ट करना। और कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करो तो सैमसंग जो है लो मैक्स या फिर मीडियम वेरी हाई सेटिंग्स
ही दे पाता है, और Redmi में हाई मैक्स या फिर वेरी हाई और वेरी हाई सेटिंग्स मिलती है। तो एनी डे मैं बोल सकता हूँ कि गेमिंग के लिए लाइक सेटिंग वाइज भी इन जनरल जब मैंने इसके अंदर गेम्स खेले लाइक हाँ Redmi हीट करता है बट बेटर परफॉर्मेंस वो ही देता है Redmi। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ ना तो यहाँ पर Samsung मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा एज लेकर जाता है क्योंकि वन UI है, Android 12 भी मिल जाता है, हालांकि ब्लोटवेयर है बट वो अनइंस्टॉल हो जाता है, लेकिन Knox Security होना इस प्राइस सेगमेंट में, सिक्योर फोल्डर भी मिल जाता है, फुल Samsung Pay भी मिल जाता है NFC की वजह से। और एक और अच्छा फीचर ये लगा है कि अगर आपने फोटो खींची है और कोई सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है जो आप नहीं चाहते अपनी फोटो में तो वो भी रिमूव कर सकते हो गैलरी के अंदर जाके। ये सारे अच्छे फीचर्स है जो कि Samsung के महंगे फोनों में आते हैं तो वो इसमें दे दिए। बट Samsung के फोन में 2 साल के OS अपडेट होंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट, ये ध्यान रखना। वैसे Redmi की बात करो तो Android 11 पे आता है यार ये MIUI, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो है, बट हाँ 2 साल के अपडेट तो मिलने चाहिए, बट Android 12 से शुरुआत हो रही है तो 2 साल प्लस कर लो, तो इसलिए कहा था ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है। बैटरी की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि Samsung 6000 mAh बैटरी के साथ आता है, एफिशिएंट प्रोसेसर भी है, तो हाँ भाई नो डाउट ये फोन लंबा चलेगा, लेकिन बॉक्स में चार्जर ना होना काफी लोगों को दिक्कत है इस बात से, तो ये ध्यान रखना भाई। और हाँ कॉस्ट भी ऐड कर लेना चार्जर की, 1200 रुपए के आसपास मिलता है अमेज़न पे, ले लेना अगर आप खरीदो तो। बाकी Redmi की बात करो तो 5000 mAh की बैटरी और बॉक्स में 67W का चार्जर है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहता हूँ कैमरास के बारे में क्योंकि यहाँ पर चीजें सुपर इंटरेस्टिंग फिर से आती है, क्योंकि Redmi जो है हमें 108 MP कैमरा देता है और Samsung 50 MP का मेन कैमरा देता है, और उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि Samsung के फोन में 5 MP का अल्ट्रा वाइड है और Redmi में 8 MP का है, बाकी दोनों में 2-2 MP के मैक्रो तो है। कैमरा सैंपल देखने के बाद आपको क्लियर विनर मिल सकता है। मैंने दोनों फोन से बहुत सारी फोटोज खींची और बार बार मैंने एक ही चीज नोटिस की कि देखो Redmi बुरा नहीं है, 108 MP होने के अपने एडवांटेज है, उसमें थोड़ी डिटेल भी मुझे दिख रही थी, बट हाँ ओवर शार्पनेस होने की वजह से Redmi की लाइक आदत रहती है ओवर शार्पन करने की, थोड़ी सी फोटो बुरी भी लगती है, कॉन्ट्रास्टी होने की वजह से ना थोड़ी सी कलर की प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई। जब भी मैं साइड बाय साइड फोटोज देख रहा था दोनों फोन से तो बार बार Samsung की फोटोज पंची होने की वजह से मुझे ज्यादा पसंद आ रही थी, लाइक आई प्लीजिंग थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी ज्यादा ऊपर या नीचे है, बट हाँ साइड बाय साइड देखने में Samsung ही अच्छा लग रहा है, बट जैसे हम अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट करते हैं ना तो Samsung यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल खो देता है क्योंकि 5 MP है ना, तो कॉर्नर में थोड़ी सी शार्पनेस महसूस नहीं हो रही थी, बट फिर भी जो अल्ट्रा वाइड में कलर्स थे ना वो मुझे Samsung की ज्यादा पसंद आ रहे थे, वो ज्यादा देख आई प्लीजिंग है। इनफैक्ट मैंने 2 MP वाले मैक्रो भी टेस्ट करे है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि Samsung जो है ना ज्यादा सैचुरेटेड फोटोज दिखाता है जो कि बेटर महसूस होती है। और मैंने लो लाइट भी टेस्ट करा, यहाँ पर जो है Samsung ब्राइट फोटोज तो खींच देता है लेकिन Redmi में डिटेल मुझे थोड़ी सी बेटर फील हो रही थी, शायद 108 MP होने की वजह से। तो पूरा बैक कैमरा समअप करने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि लाइक कलर्स जो है ज्यादा पंची होने की वजह से Samsung देखने में अच्छा लगता है, Redmi थोड़ा सा और वर्क कर सकता है, बुरा नहीं है। बट एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो Redmi का फ्रंट कैमरा है ना 16 MP होने के बाद भी मैं कंप्लीटली बिल्कुल बेकार बता सकता हूँ। जैसे मैं इसको Samsung के 8 MP फ्रंट से कंपेयर कर रहा था भाई, Redmi बिल्कुल स्टैंड नहीं कर रहा यार, जो स्किन टोन वगैरह है वो बहुत बुरी रहती है इसके अंदर। तो मैं Samsung का फ्रंट कैमरा बेटर बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी अच्छी है और स्किन टोन भी अच्छी लेता है। अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो ध्यान से सुनना, जो Samsung है वो 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकता है और जो Redmi है वो 1080p 30fps। सैंपल दिखाने से पहले बता देता हूँ कि 4K 30fps पे Samsung स्टेबलाइजेशन नहीं ला पाता। तो 1080p 30fps का सैंपल देखो, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन Samsung की बेटर है लेकिन Redmi में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फील हुई। अब Samsung से खुद कंपेयर करो, आपको फील होगा कि जो Redmi का फोन है वो थोड़ा सा जिटर कर रहा है, और बीच में मेरे को नोटिफिकेशन भी आई Redmi के फोन में कि वो ओवरहीट कर रहा है और कैमरा बंद हो गई। और दोनों फोन के फ्रंट कैमरे से ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी और सेम बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर Samsung ज्यादा यूजफुल वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है। तो गाइज अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, मैंने ना सच में ये तक सुना है कि Samsung के फोन 6 महीने में खराब हो जाते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि Xiaomi के फोन 6 महीने में खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो मैंने हर एक फोन के लिए सुनी हुई है। तो इन सब चीजों से हटके मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कैमरा हाई प्रायोरिटी है, आप फोटोज बहुत ज्यादा खींचते हो, तो मेरे हिसाब से Samsung बहुत अच्छी फोटोज कैप्चर करता है, लेकिन Redmi का फोन जो है एक ओवरऑल बैलेंस लेकर आता है
है जिसके अंदर डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी परफॉर्मेंस जो कि बिल्कुल सही सही बैलेंस तरीके से दी है। तो एक ओवरऑल फोन देखते हुए चले तो वो रेडमी का फोन ज्यादा बेटर फील होता है। तो ये जो कंपैरिजन है आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको फोटो ज्यादा खींचनी या फिर आपको एक ओवरऑल बैलेंस फोन चाहिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज बताकर जाना कि आप अगर होते तो कौन सा फोन खरीदते। मैं सच में बहुत इंटरेस्टेड हूँ आप लोग के आंसर जानने के लिए। आई होप इससे यार आपकी कोई हेल्प हुई हो, अगर हुई है तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस और देखने तो आप यहां से देख सकते हो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।